ऑपरेटर में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर आरफिन उर्फ मंगला ने ऑपरेटर मिस्त्री नजीम को अपने घर का गैस सिलेंडर को ठीक करने के लिए बुलाया था। सिलेंडर ठीक करने के क्रम में जब नजीम ने आग लगाकर जांच करने लगा तो अचानक पूरे घर में आग की लपटें पकड़ ली और घर में मौजूद समीना, पति आरफिन उर्फ मंगला, पुत्र वजीर 4 वर्ष, रिहान 2 वर्ष, कुल 5 लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए। यह घटना जोगीहाट प्रखंड ग्राम दौलतपुर वार्ड संख्या 3 का है। गैस ऑपरेटर नजीम सहित परिवार के 4 लोग घर के अंदर थे, जिसमें दोनों बच्चे का पूरा शरीर जल गया। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन इस दरमियान 5 लोग झुलस गए। आनंद फानंद में इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में इलाज के लिए भेजा गया। सबसे छोटे बच्चे रिहान व वजीर की स्थिति गंभीर देखकर सदर अस्पताल अररिया ने बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। पंचायत के मुखिया साबिर आलम ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की निंदा की एवं पीड़ित परिवार को हिम्मत देते हुए उसे इलाज के लिए भेज दिया। ग्रामीणों में मुर्तजा, लुकमान, कुरबान, यूनुस, इब्राहिम, इस्माइल, रब्बानी आदि ने सिलेंडर की आग को बुझाने में सहयोग किया। वहीं सबसे छोटी बच्ची रिहान 2 वर्ष की इलाज के क्रम में मौत हो गई। किया उसी में बूम मारा, क्योंकि वहाँ से एडजस्ट है ही नहीं कि भागेगा वहाँ से बाहर, तो कम से कम परिवार सबको तो भाग जाना यही तो है ना। परिवार में नहीं रहता चलता इसका, क्या मतलब था वो सोचा लूज है। हाँ वो सोचा कि एक्सचेंज करके, वो ये सोचा परिवार उसके कि एक्सचेंज करके चला जाएगा। इन्होंने एक्सचेंज करने के टाइम उसकी वाइफ वहीं बैठे रही बच्चे को लेके, एक्सचेंज करने में जब आग लगाया वो सोची नहीं कि आग लगा चलेगा। उसके बाद एक बैग सबका बदन में एक बैग तो फैला हुआ था, ये पूरा छत बहुत बड़ा सा हुई अगर ये बहुत जल्दी फिर आप लोग काबू भी पा लिया। उसमें बच्चा 2 है, उसमें बच्चा 2 है, 2 बड़ा है, 2 बच्चे, एक 2 बच्चा, एक बच्चा का फादर, एक मदर, ठीक, 4 आदमी, सिलेंडर मास्टर, सिलेंडर मास्टर, 5 आदमी, 5 आदमी इसमें घायल हो चुका है ना जी।